हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बनेंगे स्पोर्ट 11 में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दिल्ली और फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड के बीच में जो सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं दोनों टीमों का लास्ट मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रहा था, और साथ में आपको बताएंगे जो पॉसिबल चेंजेस होने वाले इस वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिए जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस। तो फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रहा था दोनों टीमों का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप दिल्ली का स्क्वाड देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड का। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना इधर से। अभी देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा था लास्ट मैचेस का। तो आप दिल्ली का देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, उनमें चंद ने 15 रन बनाए थे लास्ट मैच में, और इसके बाद फ्रेंड्स गौतम गंभीर ने 104 रन की पारी खेली थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने। और यहाँ पे ध्रुव सूर्य ने 50 रन बनाए थे लास्ट मैच में, आप देख सकते हैं इधर पर। और यहाँ पर नीतीश राणा ने 37 रन बनाए थे। और फ्रेंड्स इसके बात करते हैं तो यहाँ पर थिरेजा को फ्रेंड्स यहाँ पर ड्रॉप किया गया था लास्ट मैच में, बट नीतीश राणा को कोई विकेट नहीं मिला था। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हिम्मत सिंह को लाया गया था, जो कि फ्रेंड्स इन्होंने 5 रन बनाए थे मात्र। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इनको भी ड्रॉप किया गया था लास्ट मैचेस में। और बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, मनन शर्मा ने फ्रेंड्स यहाँ पे 11 रन बनाए थे और कोई विकेट नहीं मिला इनको। इसके बाद फ्रेंड्स ललित यादव ने एक विकेट लिया था लास्ट मैच में। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रासु विजयरंजन ने कोई कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया था, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से। तो ये आपके लिए एकदम चेंजेस होने वाले प्लेयर हैं फ्रेंड्स, इनको आप किसी भी लीग में पिक मत करना। और यहाँ से बात करते हैं पवन नेगी की, तो लास्ट मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला फ्रेंड्स, उससे पहले जरूर 2 विकेट लिया था इन्होंने। और यहाँ पर बताया तो फ्रेंड्स सिमरजीत सिंह ने 25 रन बनाए थे इसके पहले जो मैच हुआ था, और लास्ट मैचेस में इनको भी ड्रॉप किया गया था फ्रेंड्स इधर पे। नवदीप सैनी, तो इनको लाया गया था फ्रेंड्स, आप देखिए 3 विकेट निकाला था इन्होंने लास्ट मैच में, तो ये आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। और खिलजोरिया का तो फ्रेंड्स जो परफॉर्मेंस रहा है फ्रेंड्स लाजवाब, आप देख सकते हैं 4 विकेट लिया और फिर 6 विकेट लिया, तो बहुत बढ़िया पिक रहेंगे आपके लिए ये। तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 जो रहने वाली है वो आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, बस आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, आप इनको चेंजेस देख सकते हैं मेरे हिसाब से, और ये आपको खेलते हुए दिख जाएंगे वापस से। और इधर पे बात करते हैं यहाँ पे आज शुभ धोती की, तो फ्रेंड्स इनको ड्रॉप किया गया था, जो कि फ्रेंड्स यहाँ से लाया गया था प्रासु को, तो ये आपको यहाँ से चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स मेरे हिसाब से और कोई चेंज नहीं होने वाला, तो ये प्लेइंग 11 रहेगी। आप फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट मैच में जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है आप अपने स्मॉल लीग की टीम में उनको जरूर पिक कर लेना, तो आपका यहाँ से कोई प्लेयर मिस नहीं होगा। तो फिलहाल बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड का आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस जो फ्रेंड्स यहाँ से ईशान किशन का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा था फ्रेंड्स इधर से, मतलब कंटिन्यू परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, एवरेज है, तो इनको आप पिक कर सकते हैं, विकेट कीपिंग में मिलेंगे आपको कैप्टन में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आनंद सिंह, तो ये कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं इधर पर। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बताएं तो विजय सिंह को ड्रॉप किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से इनको लाया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे ससीम याप संजय राठौर, तो 53 रन बनाए थे इन्होंने लास्ट मैच में, तो ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और फ्रेंड्स इधर से बात करते हैं तो शिवम तिवारी, ये फ्रेंड्स सौरभ तिवारी ने फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 29 रन बनाए थे लास्ट मैच में, और इसके पहले का आप देख सकते हैं 65 रन बनाए थे। और यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ड्योबर्ट ने 88 रन बनाए थे इसके पहले वाले मैच में, और यहाँ पे इनकी बैटिंग नहीं आ पाई थी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अनुकूल रॉय ने उसके पहले देखिए आप 58 रन बनाए थे, और लास्ट मैच में इनकी भी बैटिंग नहीं आई थी, बट इन्होंने 4 विकेट निकाला था फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था लास्ट मैच में। और उसके पहले वाले मैच में भी जब इन्होंने 58 रन बनाए थे तो 4 विकेट निकाला था, तो बहुत अच्छी पिक रहने वाले हैं ये आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ से, बट इनको यहाँ से मैं बता दूँ ड्रॉप किया गया था। और फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड्स ये आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं सुमित कुमार, तो ये आपके लिए रिस्की ऑप्शन रहने वाले हैं, इसका आपके लिए चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से बात करते हैं उस्कर सिंह की, तो इनको ड्रॉप किया गया था फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से ये इनको रिप्लेस कर सकते हैं और करना भी चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। और इसके बाद फ्रेंड्स मोनू कुमार को लाया गया था, तो आप देख सकते हैं बैटिंग से तो 4 रन बनाया बट 1 विकेट भी लिया था इन्होंने, तो इनको फ्रेंड्स इसके जो पहले मैच हुआ था उसमें खिलाया गया था, बट लास्ट मैच में इनको भी ड्रॉप किया गया था। यहाँ पर बात करते हैं शहबाज नदीम की, तो ये कन्फर्म प्लेयर है जो आपको खेलते हुए दिख जाएगा, और लास्ट मैचेस में भी 1 विकेट निकाला है इसने। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे वरुण अरुण, तो इनको आप देखिए 2 विकेट लिया, इसके पहले 4 विकेट लिया, उसके पहले 3 विकेट लिया, तो फ्रेंड्स ये जबरदस्त पिक रहने वाली है आपके लिए। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं तो
जिस कारण सिंह को फ्रेंड्स लाया था बट कोई विकेट नहीं मिला इनको, तो ये आपके लिए रिस्की हो सकते हैं इस मैच के लिए। और यहाँ से राहुल शुक्ला आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, लास्ट मैचेस में भी इन्होंने 3 विकेट निकाला है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पे विराट सिंह आ सकते हैं फ्रेंड्स इनकी जगह, और यहाँ पे आप इनकी जगह विराट सिंह आ सकते हैं, यहाँ पे जसकारण सिंह की जगह। इनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं आप देख सकते हैं इधर पे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट मैच है सेमीफाइनल का वो होने वाला है, सेकंड सेमीफाइनल है तो इम्पोर्टेंट मैच है, तो यहाँ से टीम बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ आना चाहेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से वही प्लेयर पिक करेंगे स्मॉल लीग में जिनका लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं सेफ खेलने के लिए, आप फ्रेंड्स यहाँ पे लीग एक्स पे साइन अप कर सकते हैं, रेफरल कोड दिया है फ्रेंड्स इधर पे, इसको साइन अप करिए आप लीग एक्स पे, आपको यहाँ से 25 अप टू 200 रुपये कैश बोनस मिलेगा, जो 25 आपको साइन अप करते ही तुरंत मिल जाएगा और आप इसे 100% यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप टॉस होने के बाद टीम को एडिट भी कर पाते हैं, तो आपका यहाँ पे प्लेयर मिस नहीं होगा। साथ में आप करिए हाला प्ले पे साइन अप इफ रेफरल कोड के साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलेगा 100 रुपये साइन अप करते जो कि आप यहां पे 100% यूज कर पाएंगे किसी भी लीग में। और उसके बाद फ्रेंड्स दोनों टीमों का प्लेइंग 11 है, आपको कहीं पता करने की जरूरत है नहीं, हाला प्ले पे आपको पता चल जाएगा, तो आप जरूर यहां से साइन अप कर लेना। तो आप हाला प्ले प्लस लीग एक्स दोनों पे अपनी टीम को एडिट कर सकते हैं बाद में टॉस होने के बाद, और यहां से आप अपनी टीम बना सकते हैं जो कि आपका प्लेयर मिस नहीं होगा, तो यहां आपके फ्रेंड्स विन करने के रहेंगे ज्यादा चांस। तो आप यहां से जरूर फ्रेंड्स साइन अप कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा आपको रेफरल कोड, तो आप यहां से साइन अप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विकेट कीपिंग में आपके पास ईशान किशन का बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन रहने वाला है, और यहाँ से फ्रेंड्स बता दें तो उन्मुख चंद का ऑप्शन है, तो दोनों आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दें आप 6 टीम लगाते हैं तो आपको लगता है ऋषभ पंत खेल सकते हैं, तो आप इनको जरूर एक टीम में ले जाएगा, बट मेरे हिसाब से ये दोनों आपके लिए प्लेयर बेहतर रहने वाले हैं और यही खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आपको लगता है ऋषभ पंत खेल सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मेरे हिसाब से नहीं खेलने वाले, बट आप देखिए इधर पे 2% से उठ के सीधा लोग 11% पे आ गए हैं। तो आप फ्रेंड्स यदि इनमें से 11% में से होना चाहते हैं तो आप ग्रैंड लीग में एक टीम जरूर इनके नाम कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है बहुत बढ़िया प्लेयर है, जैसा कि इंडिया में इनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से बट इनको नहीं खेलना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स आप बाकी टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है लास्ट टाइम पे लाएगी नहीं लाएगी, तो आपको लेना है तो एक टीम में ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ईशान किशन का बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, मैं फिलहाल इन्हीं के साथ जाऊँगा। और यहाँ पे उन्मुख चंद भी हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं बैट्समैन की, तो गौतम गंभीर और ध्रुव सूर्य ये बहुत बढ़िया पिक रहने वाली है आपके लिए। यहाँ से फ्रेंड्स बात करते हैं तो आपके पास और जो ऑप्शन में है फ्रेंड्स यहाँ से आप यहां से ड्योबर्ट को ले सकते हैं, आपको नहीं लेना है ड्योबर्ट को तो आप यहां से सौरभ तिवारी को ले लीजिएगा, ये आपके लिए एकदम सेव ऑप्शन रहने वाले हैं। और हिम्मत सिंह यहां से मेरे हिसाब से खेलना चाहिए इनको फ्रेंड्स, आप चाहे तो पिक कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं करना है पिक इधर से और कोई प्लेयर तो फ्रेंड्स यहां से आप विराट सिंह मेरे हिसाब से आ सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में आपके लिए बढ़िया पिक रहने वाले हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से बता दें और कोई प्लेयर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। तो बात करते हैं यहाँ पे फिलहाल ऑलराउंडर की, तो आपके लिए नीतीश राणा का ऑप्शन है, यहाँ पे आनंद सिंह ओपनिंग आएंगे तो आप इनको ले सकते हैं, इसके बाद अनुकूल रॉय को मैं जरूर पिक करूंगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बॉलिंग से इन्होंने। और साथ में आपको बता दें यहाँ पे मनन शर्मा को आपने पिक करना तो आप कर लीजिए इधर से, बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स राठौर का ऑप्शन रहने वाला है, इनको मैं जरूर पिक करूंगा, लास्ट मैच में ये 53 रन की पारी खेल के आए हैं तो इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और लास्ट में ही इन्हें लाया गया था तो मैं इनको जरूर लूँगा। और आपको यदि चाहिए है फ्रेंड्स किसी तीसरे को तो आप जरूर फ्रेंड्स यहाँ से नीतीश राणा को ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं आनंद सिंह को। तो फिलहाल हम बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर में आप देखिए इधर से शहबाज नदीम का ऑप्शन है, ललित यादव है और वरुण अरुण है, तो ये 3 बहुत बढ़िया पिक रहने वाले हैं फ्रेंड्स मेरे हिसाब से, और एकदम सेफ पिक है तो आप इनको जरूर पिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें नवदीप सैनी यहाँ पे खेलने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पवन नेगी का ऑप्शन बढ़िया है आपके लिए, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो खिलजूरिया को आपको जरूर पिक करना है। तो फ्रेंड्स इन्होंने 4 विकेट निकाला फिर 6 विकेट निकाला अगले मैच में, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाली है, इनको तो आपको मिस करने नहीं है किसी भी लीग में। और आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेंड्स शुक्ला को भी ले सकते हैं, हर मैच में 1-2 विकेट निकाल के दे देते हैं, तो राहुल शुक्ला 1-2 विकेट निकाल के दे रहे हैं तो आपके लिए ये भी अच्छी पिक रहने वाले हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। और यहाँ पर बात करें तो बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर सेव है नहीं, तो आप उसको किसी को पिक करना नहीं है नीचे आके।
तो फ्रेंड्स फिलहाल मैंने आपको बता दिया आपके पास यहाँ पे 8 क्रेडिट बचता है। अब 8 क्रेडिट में आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा कि आप यहाँ पे फ्रेंड्स किसी एक 9 पॉइंट के प्लेयर को आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है, तो ये आपके लिए रिस्की ऑप्शन रहने वाले हैं, अभी बता दे रहा हूँ। बाकी आपको लेना है तो आप जरूर पिक कर लेना अपने रिस्क पे, और यहाँ पे भी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला। मेरे हिसाब से यहाँ पे ड्योबर्ट को आपको लेना है तो ये आपको खेलते हुए भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको इस प्रकार आपकी टीम भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये फाइनल टीम रखना है तो आप ज़रूर यहाँ पे इस टीम के साथ जा सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पे आपके लिए बता दूं तो मेरे हिसाब से इधर पे एक बॉलर को ज़रूर यहाँ से ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, थोड़ा स्पिनर को सपोर्ट करती है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स या तो आप ललित यादव को ड्रॉप कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप मेरे हिसाब से सहवाज नदीम को ड्रॉप मत करना। आप देख सकते हैं इनके साथ मेजोरिटी बहुत ज़्यादा जा रही होगी, तो यहाँ से आप देख लो फ्रेंड्स यहाँ पर 68% लोगों ने अभी तक लिया था, लास्ट में 44 ने लिया है। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं बहुत सारे ऑप्शन निकल के आए हैं बॉलिंग के, और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 83 पॉइंट दिया था इन्होंने शुरू में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90% लोग इनको अभी भी लिए रहे थे। तो फ्रेंड्स ये कुछ परफॉर्मेंस रहता है, जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है लोग आगे उसकी तरफ जाते हैं। और यहाँ पे आपके लिए बता दूँ पवन नेगी एकदम सेव ऑप्शन रहने वाले हैं और आपको फ्रेंड्स ये खेलते हुए दिख जाएंगे। तो इनके साथ भी 20% लोग जा रहे हैं और ये परफॉर्मेंस करते हैं तो आपके लिए ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया पिक रहने वाली है, और प्लस स्मॉल लीग में आप लेते हैं तो। बाकी यहाँ से बता दूँ तो नयदीप सैनी आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, और यहाँ से मैं फ्रेंड्स यहाँ पर आज शुक्ला को जरूर पिक करना चाहूँगा। इनको आप देख सकते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया इन्होंने कुछ मैचेस से, तो इनको मैं जरूर पिक करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं फिलहाल करता हूँ सहवाज नदीम को ड्रॉप। आपको फ्रेंड्स एक टीम में जरूर लेना है, आप यदि 2 से ज़्यादा टीम लगाते हैं इनको जरूर लेकर जाइए। फिलहाल मैं यहाँ पर शुक्ला को लेता हूँ, तो ये हमारे लिए बेस्ट पिक रहने वाली है। और आपको यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से नहीं लेना है यहाँ पे ड्योबर्ट को, तो आप जरूर इनको छोड़ सकते हैं और आप यहाँ से ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हिम्मत सिंह को ले लीजिए। इनको भी फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यहाँ पे और कोई रिस्की सब सारे रिस्की ऑप्शन रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पे ड्योबर्ट को लेना वही सेव ऑप्शन है, और आपको नहीं लेना है तो आप किसी और प्लेयर को पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बॉलर्स को ले सकते हैं, और बाकी आपको लेना था पवन नेगी और नवदीप सैनी को भी आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए बता दूँ और कोई ज़्यादा सेव ऑप्शन है नहीं, तो मैं यहाँ पे ड्योबर्ट को ही लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये फाइनल टीम रहने वाली है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पे पिक करना है कोई और प्लेयर को इस टीम से तो आप ज़रूर पिक करिए। यहाँ से गंभीर की टीम का एक प्लेयर और आप ले सकते हैं इधर पे। तो अभी फ्रेंड्स कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बात बताओ आपको, नव यहाँ पे गौतम गंभीर, ईशान किशन दो बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं आपके पास, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इनका है। और जैसे कि आपको बताया ये राठौर लास्ट मैच में आया 53 रन बनाए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे खिलचूरिया, तो ये और ये फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो आप 6 ऑप्शन हो गए आपके लिए, आप किन्हीं के साथ भी कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं। आपको बॉलर अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, लगता है आपको विकेट गिरेंगे तो आप यहाँ पर खिलचूरिया फ्रेंड्स यहाँ पर वरुण के साथ जा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपको यहाँ से बैटिंग में चाहिए, मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए बैटिंग में, तो आप इन दोनों के साथ जाइए। स्मॉल लीग में बढ़िया पिक रहने वाली है, आपको चाहिए बॉल्स में तो आप ऑलराउंडर में इनको पिक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में आपके लिए बता दिया हूं बढ़िया पिक रहने वाली है बॉलर्स की, तो आप जरूर इनके साथ जा सकते हैं। और फ्रेंड्स किसी ऐसे प्लेयर को ट्राई करिए जैसे ध्रुव सोरे है, और यहां पे सौरभ तिवारी है, और ये नए आए हैं तो कम लोगों ने लिया होगा, तो इनको तो आप जरूर इनको ट्राई कर सकते हैं। ये 4-5 ऑप्शन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। या फ्रेंड्स आपको चाहिए कोई अच्छा प्लेयर जैसे कि जो अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, तो आप जरूर इनमें से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन रख के आप एक प्लेयर वाइस कैप्टन ऐसा चेंज कर दीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ से जो कम लोगों ने लिया हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स जाके अभी, और चैनल को आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें फ्रेंड्स, उससे यूट्यूब पे अभी आने वाले जो भी मेरे वीडियोज़ रहेंगे किसी भी मैच के वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।